एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाइए जिसमें आप अपने आप को भी एक कंपनी के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हो, राइट? और हम ये इस वक्त देख रहे हैं पीआर कैंपेन टैक्टिक्स बाय थ्री पाइप. थ्री पाइप इज द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है? तो उसमें आपने बुलिंग की जो पहली प्रेजेंटेशन है, इसमें थ्री पाइप ने सबसे पहले ये बताया है कि वो कौन है. थ्री पाइप का अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो थ्री पाइप, जैसे अगर आपसे मैं कहती हूँ कि शार्फा या तूबा या अक्सा, आप अपने आप को एक कंपनी के तौर पे प्रेजेंट करें तो दिस इज व्हाट यू वुड राइट अबाउट योर सेल्फ. थ्री पाइप ने सबसे पहले अपना एक ओपनिंग पेज क्रिएट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उसके कंपनी में कौन लोग हैं. उसके बाद थ्री पाइप ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि हु वी आर, क्रिएटिव इफेक्टिव इंडिपेंडेंट एंड अवार्ड विनिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी. तो अगर आपको ये लगता है कि एज प्रोफेशनल्स आपकी जो बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसको फिलहाल, आई वुड सजेस्ट कि आप में से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे, तो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ के हाउ यू कैन, यू नो, लाइक आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग एंड पीआर प्रोफेशनल. इन दैट केस अपना एक राइट जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ एंड वॉट यू कैन डू. और उसके पीछे इफ़ यू हैव वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन एड एजेंसी सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर आपकी अपनी कोई फिलोसफी है तो हर एक का एक यूनिक परस्पेक्टिव होता है. तो आई सजेस्ट यू क्रिएट अ परस्पेक्टिव अबाउट योर सेल्फ, वॉट काइंड ऑफ वर्क यू डू. फॉर इंस्टेंस अगर आप थ्री पाइप्स की फिलोसफी देखेंगे तो थ्री पाइप्स कहता है कि वी अवॉइड दी ऑब्वियस ईजी सोल्यूशन. ये कोई यूनिक प्रेजेंटेशन लेके आते हैं वेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग एंड पी आर. और उसके बाद नंबर टू पे दे से कि जी हम जो हैं वो अपने आप को भी अवॉइड ऑब्वियस सॉल्यूशंस, उसके बाद भी एनालाइज सिचुएशन एंड थिंक थिंक्स थ्रू. फॉर इंस्टेंस इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है इसकी, अगर आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से वट एवर इज द सिचुएशन एंड ऑल ऑफ अस आर लॉकडाउन वाला हाल चल रहा है और उसमें वी आर ट्राइंग टू कोप विद जो भी सिचुएशन है कि होम से लेसन्स कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद, यू नो, आपकी क्लास में 20 24 25 लोग हैं. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप ये देखें कि आप अपने आप को एक फिलॉसफी आपकी अपनी क्या है. तो उस सिचुएशन को आप एनालाइज करते हुए इफ़ आई आस्क यू कि आप कोरोना वायरस सिचुएशन के ऊपर आप एक मुझे प्रेजेंटेशन बना के दें क्राइसिस हैंडलिंग की, तो आप उसको क्या करेंगे. फॉर इंस्टेंस इन इफ यू वांट टू से कि जी गूगल क्लासरूम के थ्रू या ऑनलाइन क्लास इज अ गुड आइडिया और इट हैज डिफिकल्टीज, तो उन डिफिकल्टीज की स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज सामने रखते हुए यू मे वांट टू प्रोड्यूस अ प्रेजेंटेशन के जी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है. इस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में थ्री पाइक्स ने तीन स्लाइड्स तक उसने अपनी विजन और अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, जबकि फोर्थ स्लाइड्स पे उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट अवार्ड्स एक्सेट्रा. तो ऑलराइट, ओके, कोशिश ये करते हैं कि आप लोग प्लीज अगली क्लास से पहले अपनी प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा. ऐसे सबमिट किया था वही प्रेजेंट करें. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपना ऐसे प्रेजेंट करें. तो मैं आपको साथ साथ बता रही होंगी गूगल क्लासरूम में मैं आपकी प्रेजेंटेशंस पे जो भी लिखूंगी वो इनसफिशिएंट होगा. आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, अपना स्लाइड मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि यहाँ पे क्या चीज कर लें, ठीक है. एंड मैंने आप लोगों का मल्टीनेशनल्स पे काम करने से मना किया था. मल्टीनेशनल की इवन इफ इट वॉज अ लोकल कैंपेन आई सजेस्टेड कि आप मल्टीनेशनल पे काम ना करें. उसकी वजह ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो लोकली भी बहुत ज्यादा काम करती हैं. एंड आई वॉन्टेड कि आप लोग जो हैं आप इस प्रोसेस से गुजरें, यू प्रोड्यूस योर ओन वर्क एंड यू प्रोड्यूस योर ओन केस स्टडीज. मल्टा नेशनल का तो बना बनाया काम, आपको काफ़ी सारा डेटा जो है वो अवेलेबल होगा. देखें, आप इस वक्त जो आप लोग इकट्ठा बोलेंगे ना, तो इस गूगल क्लासरूम की प्रॉब्लम ये है कि आप में से जो भी कॉन्वर्सेशन आप लोग कर रहे हैं उसमें इट्स वेरी, यू नो, मैं चूंकि आप लोगों को फेस टू फेस नहीं देख पा रही तो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आप में से किस वक्त कौन क्या चीज कह रहा है, राइट? लेकिन व्हाट यू हैव टू डू कि आप उसको पूरी कोशिश करें कि आप उसके अंदर जो हमारा सिचुएशन है उसको आप ट्राई अंडरस्टैंडिंग के. ये बड़ा जरूरी है कि आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गूगल क्लासरूम में दें सो वी कैन एक्चुअली डिस्कस के
हो क्या रहा है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू डिफरेंट केस स्टडीज इन क्लासरूम, हमने उसमें बताया कि सिनेरियो क्या था। वी ऑल्सो डिस्कस कि इस सिनेरियो में जो सिचुएशन थी तो पीआर या एडवर्टाइजिंग कैंपेन किस किस्म की क्रिएट होने ये थी। उसमें हमने जो मिनिमल प्रोबोनो से लेके कोक हाउ टू शेयर कोक की जो कैंपेन है, बहुत बड़ी कैंपेन तक हमने बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देख ली, राइट। इस एक्सट्रीम सिचुएशन में अब ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग विदाउट वरिंग कि मैं क्या मेरा हुआ है और क्या नहीं हुआ, आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अपनी पावर पॉइंट एसेस, क्योंकि आपकी एसेस जरूरी थे। अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि देयर वाज अ स्टूडेंट हु सबमिटेड 6 ड्राफ्ट ऑफ एसेस, आप में से तो आधी क्लास में फर्स्ट ड्राफ्ट भी नहीं सबमिट किया। सो और उसके बाद आई कीप आस्किंग कि आप प्रेजेंट करें, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे इतने डिस्टेंस के साथ, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस योर प्रेजेंटेशंस, और प्रेजेंटेशन में वी कैन स्टॉप ऑन यू नो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, एंड व्हेन वी स्टॉप ऑन डिफरेंट स्लाइड्स वी कैन एक्चुअली डिस्कस कि हम इस स्लाइड में क्या चीज हो सकता था, हाउ वी कुड इम्प्रूव इट, राइट। यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट यू हैव रिटन, ठीक है। आप में से जो लोग, आप लोगों को ने जो लिखा था उसी को आपने प्रेजेंट करना था, एंड व्हेन यू स्टॉप ऑन डिफरेंट स्लाइड्स आई कैन टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर स्लाइड्स। अभी तो सबसे पहले तो आपने जो लिखा है आप उसी की प्रेजेंटेशन दें। अलबत्ता मैंने ये जरूर कहा था कि आप इंटरनेशनल ब्रांड्स ना लें, ठीक है। आज के लिए हम सिर्फ ये करते हैं कि लेट्स ट्राई फिनिशिंग। आपको अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। सो कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? ऑल राइट। सो आपको, आप में से, मेरी आपको एक सजेशन ये है कि आप में से काफी सारे लोग जो हैं जो कंपनीज में काम नहीं करते, ठीक है, काफी सारे लोग हैं ना जो कंपनीज में काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, ठीक है, एड एजेंसीज में। अच्छा, ये वोडाफोन की है कैंपेन, लेकिन वोडाफोन की कैंपेन जिस कंपनी ने प्रिपेयर की उस कंपनी का नाम है 3Pipe, राइट। तो थोड़ी सी एक क्रिएटिव एक्सरसाइज करें, अपने आप को एक नाम दें, राइट, और उसके बाद ट्राई अपने आप को कंसिडर योर सेल्फ अ कंपनी एंड गिव योर सेल्फ अ नेम एंड ऑल्सो राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। नाउ राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 3Pipe जो है वो बुलिंग की कैंपेन आगे जाके बताएगा, लेकिन बिफोर बुलिंग कॉरपोरेट CSR कैंपेन बाय वोडाफोन, उससे पहले इन्होंने सिर्फ ये किया कि दे आर जस्ट टेलिंग अबाउट देमसेल्फ। इसी तरह आई एम सजेस्टिंग दैट ऑल ऑफ यू Imagine you are a company and write a brief introduction about yourself. देखें इस पे मुश्किल से 2-3 sentences लिखे हुए हैं, who we are as a company. तो I suggest everybody should try giving himself or अपने आप को एक company का नाम देते हुए अपना एक brief introduction लिखें, ठीक है। उसके बाद ये जो है इनकी philosophy या vision लिखा हुआ है। So I would suggest कि if you create, consider yourself a corporate organization, तो आप ये सोचें कि अगर मैं छोटी सी कंपनी बना रहा होता या बना रही होती तो व्हाट काइंड ऑफ विजन वुड आई हैव एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ डायरेक्टर और अ कंपनी ओनर एक्सेट्रा। तो अपने लिए भी बिल्कुल लाइक देम ट्राई क्रिएटिंग अ विजन स्टेटमेंट फॉर योरसेल्फ। उसके बाद फोर्थ स्लाइड पे उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं अब तक की। कैन यू सी कि दे आर जस्ट सेइंग कि जी हमारे अवार्ड्स क्या क्या हैं 3Pipe के, और उसके बाद 3Pipe जो है उसने ये बताया कि जी हम 3D काम करते हैं, वी डू डिजिटल, वी डू सोशल मीडिया, वी डू कॉन्वर्सेशन डिविजन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्होंने जो भी डिफरेंट अपने वो बनाए हुए हैं जिस पे ये काम करते हैं, और उसके अलावा ये फिर किस किस्म के इनके क्लाइंट्स हैं, किस किस्म की कंपनीज के साथ ये काम करते हैं, उसका भी इन्होंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, राइट। और व्हाट इसमें आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स से लेके कंज्यूमर गुड्स तक हर किस्म का स्टाइल एंड वर्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज, उसका इन्होंने 2-3 स्लाइड क्रिएट कर दिए, ठीक है। और फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिसके आई थिंक ये अप्रोक्सीमेटली 7 स्लाइड्स हैं जिसमें इन्होंने अपनी कंपनी का एक इंट्रोडक्शन दिया। सो मेरी एक सजेशन ये है आप लोगों को कि भी कि यू कंसिडर योर सेल्फ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्राई गिविंग योर सेल्फ एन इंट्रोडक्शन। तो अपने बारे में 7 स्लाइड्स अगर नहीं भी क्रिएट कर सकते तो ट्राई क्रिएटिंग 2, 3 or 4 स्लाइड्स फॉर योर सेल्फ, वॉट हु यू आर एंड वॉट काइंड ऑफ वर्क एज एन एडवर्टाइजिंग एंड PR प्रोफेशनल यू डू और यू वॉन्ट टू डू, ठीक है।
सबको समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि ट्राई गिविंग योर सेल्फ अ नेम। आप सोचें कि अगर मैं एक छोटी सी कंपनी बना रही होती तो मेरा क्या नाम होता, ठीक है, और मेरा क्या विजन होता और मैं किस तरह का काम करती। सो उसकी बेसिस पे आई एम सेइंग जस्ट ट्राई गिविंग योर सेल्फ एन इंट्रोडक्शन एज एन एड एंड पी आर एजेंसी, और उसको आप एक छोटे से जो आप मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे उसके शुरू में एक ट्राई क्रिएटिंग स्लाइड्स अबाउट योर सेल्फ। ओके, उसके नहीं, अवार्ड तो आपके पास है नहीं ना, तो आप उसको एज बिगिनर बनाएंगे। देखें, हमने जो शुरू में कैंपेन्स देखी थी वो प्रोबोनो थी, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, राइट? राइट नाउ आपका वहां से स्टार्ट कर रहे होंगे कि आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, आपके पास अवार्ड्स नहीं है, बट यू वॉन्ट टू बिगिन। तो जो बिगिन कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे या बिगिनिंग करेंगे, कुछ ना कुछ जो भी प्लान करेंगे उसके हवाले से जस्ट ट्राई थिंकिंग, अवार्ड्स ना डालें, लेकिन आपका विजन तो होगा ना, और व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू और डू, तो उसको क्रिएट करके ट्राई क्रिएटिंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। ओके, अच्छा, अब नाउ लुक एट दिस कैंपेन जो कि इन्होंने थ्री पाइप्स ने ये कैंपेन बनाई, वोडाफोन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? इसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी वोडाफोन, जस्ट वोडाफोन का जो CSR है उसके लिए कह रहे हैं कि जी वोडाफोन जो है मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम जो है, और कैंपेन वो क्रिएट करना चाह रहे थे उसको, पहले तो उन्होंने अपने आप को कहा कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी वॉन्ट कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हों, राइट? और उसके बाद उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखते हुए दे आर सजेस्टिंग कि जी हम कैंपेन बनाएंगे टीन एज बुलिंग को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि इसमें बड़ा सिंगल टास्क के साथ इन्होंने किया कि जी हम टीन एज बुलिंग की कैंपेन बनाएंगे, कि टीन एज बुलिंग को सबसे पहले उन्होंने उसके बेसिक फैक्ट्स दिए। प्लीज जब आप लोग फ्यूचर में अपने थीसिस के लिए या इस क्लास के लिए आप देखें कि जब ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैंने फॉर इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट मांगा आप लोगों से, तो वो यहाँ पे अब टीनेज बिलिंग को पहले डिफाइन कर रहे हैं कि एस्टिमेटेड उन्होंने कहा कि यूके में 450,000 पीपल आर विक्टम्स ईच ईयर। अब इतना छोटा सा कंट्री है यूके, राइट? पाकिस्तान जितनी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है, यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज की पॉपुलेशन इज स्मॉल। सो बेसिकली उन्होंने कहा कि 450,000 यूके यंग पीपल आर विक्टम्स ईच ईयर, और उसके बाद 16 टीन एज सुइसाइड। देखें, हर साल अगर बुलिंग की वजह से बच्चे सुइसाइड कर लें तो प्रॉब्लम इज बिग, राइट? सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस कैंपेन को, जो भी एड कैंपेन या पीआर कैंपेन वो प्लान करेंगे, उसके पीछे वो कुछ फैक्ट्स डिफाइन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी जो एसेज लिखे हैं या जो आप लोग केस स्टडीज मुख्तलिफ केसेस को देख रहे होंगे, हर जगह पे दे डू डिफाइन के प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे दे आर सेइंग 450,000 यंग पीपल, तो आप देखें कि 450,000 तो बुलिंग के विक्टम्स हैं, तो एक्चुअली फोन यूजर्स का नंबर तो बहुत ज्यादा होगा, राइट? उन्होंने आपको वोडाफोन के मोबाइल फोन यूजर्स की बात नहीं की, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम के जी विक्टम्स की तादाद कितनी है, एंड देन दे आर सेइंग कि 450,000 में से कितने लोग जो हैं वो इससे कोप नहीं कर सकते, 16 टीनेज सुइसाइड होते हैं बिकॉज ऑफ बुलिंग एवरी ईयर, ठीक है? ओके, उसके बाद उसने ये कहा कि ये जो बुलिंग के यंग पीपल, प्लीज याद रखें कि ही इज डिफाइनिंग टारगेट ऑडियंस और उनकी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, और उनमें ये कह रहा है कि इनमें से अक्सर जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन हैं, ठीक है, और बुलिंग इज अ प्रॉब्लम। साइबर बुलिंग जो है वो उसको वो कह रहे हैं कि वो इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है, बिकॉज 42% चिल्ड्रन जो हैं वो दे टॉक अबाउट कि जी हमें 42% चिल्ड्रन तो बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड में वो ये कह रहा है कि देखें, बुलिंग विक्टम्स उसने 450,000 बताई थी, राइट नाउ ही सेइंग कि वो 42% हैं। सो यू कैन इमेजिन कि टोटल जितने भी थे 450,000 को आप डबल करेंगे तो उससे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तकरीबन आई थिंक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बन जाएगी, 10 मिलियन बन जाएगी, जिनको वो ये कह रहे हैं कि ये बुलिंग को फेस करते हैं। जी, क्वेश्चन क्या है आपका?
नहीं आप प्लीज यू आर मिक्सिंग अप, यू आर मिक्सिंग अप. आपसे मैंने मैंने वो बात अभी खत्म कर दी थी. मैंने कहा था कि आपने प्रेजेंटेशन जो देनी थी वो अपने एसे की देनी थी. अब मैं आपको आपके साथ जो प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रही हूँ, इस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में कंपनी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑफ द कैंपेन दे हैव प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो मैं आपसे आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, देन यू प्रेजेंट के जी मैं ये कैंपेन आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ एंड दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग, राइट? हम अब आप अपना कौन बोल रहा है नाम बताएं साथ में. अर्सल, अर्सल ऐसा है कि मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, देखिए इस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन मिलेगा, राइट? जिसमें उसमें आप ये देखें कि यहाँ तक तो सिर्फ वो डिफाइन कर रहा है कि 42% बच्चे जो हैं जो के बुलिंग को फेस करते हैं उस वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स जिनकी एज है 10 to 16 years. ठीक है, सो विच मीन्स के ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको टीनेज बुलिंग का सामना कर रहा है और 10th इन पर्टिकुलर इज वेरी यंग. ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में देखें कि उसके बाद उसने कैंपेन को डिस्क्राइब करने के बाद टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करने के बाद नाउ ही इज कमिंग टू कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, राइट? जिसमें वो ये कह रहा है एनकरेज टीनेज गर्ल्स टू थिंक अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन बुलिंग. अक्सर लोग जो हैं वो तो बुलिंग को पीपल डोंट रिकॉग्नाइज बुलिंग, पीपल डोंट रिकॉग्नाइज कि समबडी इज बुलिंग देम. वो समझते हैं कि ये मजाक कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, राइट? वाइल एक्चुअली इट इज बुलिंग. तो उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि टीनेज गर्ल्स जो हैं उसको बुलिंग को इफ दे अंडरस्टैंड हो तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को तभी वो अंडरस्टैंड करेंगे. फिर प्रोवाइड सपोर्ट टू दोज बीइंग बुलिड और उसके बाद हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट्स टू बेटर स्पॉट इंसिडेंट फॉर बुलिंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट टूल्स. उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा कि डेमोन्स्ट्रेट वोडाफोन्स कमिटमेंट टू एंटी बुलिंग वीक, राइट? और ये एंटी बुलिंग वीक जो है वो कब है? नवम्बर. सो आपको इन्होंने मतलब आगे चल के अपनी कैंपेन के डिफरेंट फीचर्स डिसाइड किए तो उसमें आपको वो नजर आ रहा होगा कि वो कैसे कर रहे हैं इसको ना. अपने आप को देखें, शुरू में उसने कहा था कि वोडाफोन फोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर से भी एक्सपेक्ट करता है. तो राइट नाउ ही इज सेइंग कि जी वोडाफोन की कमिटमेंट है एंटी बुलिंग वीक कर रहे हैं. अब कैंपेन एंटी बुलिंग वीक को उसने अपना बता दिया कि हम क्या करेंगे. नाउ दे आर कमिंग विद कैंपेन स्ट्रेटेजी. ठीक है, कैंपेन स्ट्रेटेजी में दे आर सेइंग कि डेवलप अ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म टू एंगेज टीनेज गर्ल्स एंड पेरेंट्स. ठीक, और अक्सर बच्चे तो शेयर भी नहीं करते कि हमारे साथ क्या हुआ. बट राइट नाउ उसने अपने जो वो बुलिंग उसने कहा था फेस करते हैं बच्चे, बट नाउ दे आर सेइंग कि टारगेट में बच्चे और पेरेंट्स दोनों शामिल हैं, पर्टिकुलरली गर्ल्स. और जिसको वो ये कह रहे हैं कैंपेन मैसेज उनको आपने डिलीवर करना है टू पेरेंट्स एंड गर्ल्स. क्रिएट अ फॉर्मल एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू एड टीचर पार्टिसिपेशन एंड क्लासरूम एंगेजमेंट. वर्क विद अ बुलिंग चैरिटी टू डिवेलप कैंपेन एसेट्स एंड रेज फंड्स. तो आप ये कह रहे हैं कि देखें इस चीज के लिए उनको अब कैंपेन का वो कह रहे हैं कि जी कैंपेन भी डिलीवर करनी है और फंड रेजिंग भी करनी है साथ में. और टीचर की पार्टिसिपेशन अब आप ये देखें फ्रॉम पेरेंट्स टू गर्ल्स टू टीचर्स वो सारे वो लोग आ गए जिनको लगता है कि इस कैंपेन में ये लोग हेल्पफुल होंगे. क्योंकि लेटर जब आप इसके स्लाइड्स देखते हैं तो उन स्लाइड्स में वो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि स्कूल कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टारगेट यहाँ पे उसने पेरेंट्स और गर्ल्स को बताया और साथ में कहा कि जो स्कूल कनेक्शन के लिए टीचर पार्टिसिपेशन ऐड की, क्लासरूम एंगेजमेंट क्रिएट की. वो आगे जाके आपको नजर आएगा कि जी क्लासरूम में ये इन्होंने कौन सी एक्टिविटीज इस कैंपेन के लिए प्लान की. ठीक है, और पेरेंट्स और टीचर्स क्लासरूम के बाद उसने सिंपली ये कहा कि जी हम फंड रेजिंग करेंगे इस कैंपेन के जरिए. ओके, अब
जो उसने अपने टारगेट्स बताए उसके बाद वो आपको कह रहा है कि अब हम क्रिएटिव पार्ट कैसे हैंडल करें। सो आप मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस में ट्राई गिविंग कि जी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है और क्रिएटिव स्ट्रेटजी या क्रिएटिव एंगेजमेंट हम कैसे करेंगे। राइट नाउ वो ये कह रहा है कि हमने हमारी क्रिएटिव स्ट्रेटजी ये है कि वी एंगेज आर टारगेट ऑडियंस और उनको एंगेज ऐसे करना है कि दे आर ऑल्सो एंटरटेन्ड। तो अब एडवर्टीजमेंट है या कैंपेन है या जो भी है उसको एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होना चाहिए। और जब आप खासतौर पे बच्चों से बात करेंगे बुलिंग के लिए तो आई थिंक यू मे हैव कम अक्रॉस दिस थिंग कि बच्चा क्या बड़े भी बाज़ औक़ात कहते हैं कि लेक्चर मत दें। राइट सो यहाँ पे वो सिंपली इतना ही कह रहा है कि जी प्रीची नहीं होना चाहिए। वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ कैंपेन जिसमें हम प्रीची नहीं होंगे लेकिन उसको इसको हम करेंगे एंगेज पीपल विदाउट बीइंग प्रीची। ओके जी कोई क्वेश्चन है एनीवन? ऑलराइट तो अब उसने कहा है कि जी हमने क्रिएटिव पार्ट है क्योंकि बच्चे हैं और क्लासरूम है तो कैंपेन ऐसी होनी चाहिए कि एंटरटेनिंग हो एंगेजिंग हो प्रीची ना हो। उसके बाद ही सेइंग कि हम करेंगे कैसे कोई यूनिक और एक्सक्लूसिव चीज होनी चाहिए। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग के पार्ट में नाउ दे आर लुकिंग फॉर यूनिक एंड एक्सक्लूसिव थिंग और उसमें वो ये कह रहे हैं कि सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी के लिए देखिए ना बच्चे को अगर आप सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी के लिए इनवाइट करेंगे अब ये ठीक है। सो कनेक्टिंग विद द टारगेट ऑडियंस डिलीवरिंग एंड इंक्रीजिंग कैपेसिटी फॉर इंटरेक्शन कॉमेंट रेटिंग एंड शेयरिंग। तो ये तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पे जा रहे हैं कैन एनीबॉडी डिफाइन कि कौन सा चैनल सिलेक्ट करने जा रहे हैं जिससे वो कॉमेंट रेटिंग शेयरिंग आ सके इंटरेक्शन भी हो। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन जाएंगे ठीक है। उन्होंने कहा सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी के लिए दे आर सेइंग कि हाँ वी विल गो ऑनलाइन और ऑनलाइन और ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दे कैन कमेंट रेटिंग शेयरिंग सब कुछ आ जाएगा और ओवरकमिंग टाइट प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइंस। तो इसका मतलब है कि डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट और ऐसी डेडलाइन जिसमें आप जो भी क्रिएटिवली क्रिएट करें आप उसको मेजरिंग कर सकें डेटा कैप्चरिंग कर सकें। तो हमने जो ऐसे फॉर्म में जितनी भी चीज़ें देखी थी उसमें ये सारी चीज़ें थी ना जो चीज़ें इस वक्त आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नज़र आ रही हैं वो ऐसे में भी थी। ओके और राइट नाउ अब उसको क्रिएटिव को वो फर्दर एक्सप्लेन करने जा रहा है। आप देखें पिछले स्लाइड पे वो ये कह रहा था कि क्रिएटिव एंगेजमेंट हमें प्लान करनी है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। सो इफ़ यू लुक एट दिस गाय जोसेफ एंड हिज अमेजिंग टेक्निकलर ड्रीम कोड। जोसेफ इन्होंने उठाया है किसी टेलीविजन प्रोग्राम से ठीक है और वो ये कह रहा है कि हम यहाँ पे कलेबरेशन करने जा रहे हैं। जिससे कलेबरेट कर रहे हैं उसका नाम है रियली यूजफुल कंपनी क्रिएटेड बाय एंड्रू लॉयड वेबर जो कि 16 ईयर ओल्ड है स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल प्रोडक्शंस ओवर द लास्ट 30 इयर्स ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं अब उसके अंदर ये बुलिंग स्टोरी लाइन है जिसमें ये जोसेफ आपको ये कैरेक्टर नज़र आ रहा है लड़का इस लड़के को जी ये जो जोसेफ है इसको इसके घर में इसके भाई बुलिंग करते हैं राइट और इट्स अ बीबीसी शो पॉपुलर अमंग टीन एज गर्ल्स एंड मॉम्स जिसको वो ये कह रहा है कि भाई ये उन्होंने अब अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए मेरा ख्याल है हमने पहले भी कुछ कैंपेन्स देखी थी जिसमें वो फ्रिज रेडर्स में उन्होंने कैरेक्टर उठाया था एक पुराने म्यूजिक वीडियो में से राइट। इस कैंपेन के लिए वोडाफोन ने कैरेक्टर उठाया बीबीसी शो में से
और बीबीसी शो में से जो कैरेक्टर उठाया उसका नाम है जोसेफ, जोसेफ जिसको उसके होम में बुलिंग बहुत ज्यादा है, राइट। सो बेसिकली जोसेफ एंड हिज टेक्निकलर ड्रीम कोट, तो वो ये कह रहे हैं कि होम बुलिंग इस वजह से है कि जोसेफ ब्रदर्स आर जेलस ऑफ हिम। तो अब इस कैरेक्टर को लेके दे आर गोइंग टू क्रिएट अ कैंपेन, ठीक है। अब कैंपेन में अगर आप उसका क्रिएटिव मैकेनिज्म अगर देखें तो उसने ये कहा कि जोसेफ का ये जो कोट आपको नजर आ रहा है टेक्निकलर का, इसमें इन्होंने कहा कि जी वी विल इनवाइट स्कूल चिल्ड्रन कि वो इस कोट के मुख्तलिफ वर्जन डिजाइन करें, राइट। तो अगर आपने स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया कि डिजाइन अ न्यू कोट फॉर जोसेफ, तो विच मीन्स कि एक तो कैरेक्टर बड़ा पॉपुलर है, फिर स्टूडेंट्स को आपने एंगेज कर लिया कि वो इस कैरेक्टर के लिए नए कोट डिजाइन करें, ठीक है। तो बेसिकली बड़ी सिंपल सी कैंपेन है, बुलिंग के अगेंस्ट है, कैरेक्टर उन्होंने टीवी प्रोग्राम से उठा लिया और उस कैरेक्टर का जो वार्डरोब है उसको रीडिजाइन की उन्होंने कैंपेन क्रिएट कर दी। एनी क्वेश्चन सो फार? ऑल राइट। सो बेसिकली कह रहा है कि वोडाफोन कट इट आउट कॉम्पिटिशन टू रीडिजाइन 7 न्यू ड्रीम कोड्स टू बी वर्न ऑन स्टेज ड्यूरिंग एंटी बुलिंग वीक। अच्छा, अब आप देखें कि उसने शुरू में कहा था कि हम एंटी बुलिंग वीक सेलिब्रेट करेंगे, सो उस एंटी बुलिंग वीक तक पहुंचने के लिए उससे पहले वो ये कॉम्पिटिशन उससे पहले अनाउंस हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन होगा तो बच्चे जो हैं वो अपने डिजाइन सबमिट करेंगे और जब बच्चे डिजाइन सबमिट करेंगे तो उसकी बेसिस पे वो उन कोड्स को एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो फिर जोसेफ को वो स्टेज पे इनवाइट करेंगे कि वो उन 7 कोट्स को पहने या उन 7 कोट्स को लेके आए। सो यू कैन सी कि ये जो कैंपेन प्लान कर रहे हैं उस कैंपेन के पीछे जो भी क्रिएटिव थॉट है वो कॉम्पिटिशन से स्टार्ट होके एंटी बुलिंग वीक तक जारी है। सो कॉम्पिटिशन अनाउंस होगा, कम्प्लीट होगा, ड्रेस मैनुफैक्चर होगा, उसके बाद एंटी बुलिंग वीक स्टार्ट होगा। एनी क्वेश्चन? कोर्ट्स का रोल ये है कि आपसे मैं ये कह रही थी कि इन्होंने ये जो देखें इसमें यहाँ उसने कहा कि जोसेफ का जो टेक्निकल ड्रीम कोट है ये एक टीवी प्रोग्राम में है और उसने कहा कि ये प्रोग्राम 30 इयर्स से पेरेंट्स में, बच्चों में, लड़कियों में, मॉम्स में ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है। ही सेड कि जोसेफ के जो भाई बुली करते हैं वो इस वजह से बुली करते हैं कि दे आर जेलस ऑफ हिम एंड हिज यू नो जो उसका टेक्निकलर कोट है, ठीक है। उसकी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी तो आपको क्रिएटिव स्ट्रेटेजी समझ लेना कि ड्रीम कोट जो है वो टीवी प्रोग्राम में से निकाल रहे हैं, बीबीसी शो में से, जो बुलिट कैरेक्टर है वो भी बीबीसी शो में से निकाला है। तो जो कैंपेन प्लान कर रहे हैं उसको कैंपेन को एडवांटेज हो रही है ना कि क्योंकि उन्होंने टीवी प्रोग्राम में से एक ऐसा कैरेक्टर निकाल लिया है जो 30 ईयर बुलिंग के लिए फेमस है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, अगर आप ये देखें इस पेज पे, ये आपका लाइन नंबर 4.4 देखें, फीचर्स अ बुलिंग स्टोरी लाइन बिटवीन जोसेफ एंड हिज ब्रदर्स हु आर जेलस ऑफ हिज न्यू कोट, ठीक है। तो अब वो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी तो उस टीवी प्रोग्राम में मौजूद थी, बुलेट कैरेक्टर भी प्रोग्राम में मौजूद था, कोट भी मौजूद था। तो जो क्रिएटिव कैंपेन वो बना रहे हैं उसमें दे आर इनवाइटिंग स्कूल चिल्ड्रन के जी इस जोसेफ के लिए यू डिजाइन न्यू कोट, ठीक है। सो बच्चे जो हैं कट इट आउट, ये कट इट आउट जो है वो उनकी आप कहें कि उसकी कैंपेन है, ठीक है। कट इट आउट के नाम से ये कैंपेन जो स्कूल कंपटीशन अनाउंस करेंगे जिसमें बच्चों से कहेंगे कि आप जोसेफ के लिए न्यू कोट डिजाइन करें। ऑल राइट, सो जोसेफ जो है वो उसके लिए ड्रीम कोट डिजाइन करेंगे और साथ में उन्होंने कहा कि कट इट आउट कंपटीशन टू रीडिजाइन 7 न्यू ड्रीम कोट्स। ओके, ड्रीम कोट डिजाइन कॉम्पिटिशन है, उसके बाद एंटी बुलिंग वीक आएगा। सो स्कूल चिल्ड्रन के लिए कैंपेन कितने अरसे चलनी चाहिए वुड बी वन ऑफ द डिसीजंस, बिकॉज आप कैंपेन की ड्रीम कोट डिजाइन कंपटीशन कैंपेन जब खत्म होगी तो उसका क्लोजर होगा एंटी बुलिंग वीक पे,
ओके तो यू जस्ट नीड टू सी के जी हमने यहाँ से डिज़ाइन कंपटीशन होगा, फिर एंटी बुलिंग वीक होगा और इन ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप अगली चीज़ पे जाएंगी। कोट्स टू फीचर सिंबल्स स्लोगन्स मटीरियल्स टू रिफ्लेक्ट हाउ टीनेजर्स फेल्ट अबाउट बुलिंग, ठीक है। तो अगर अभी तो पाकिस्तान में भी पिछले कुछ सालों से होता है, मेरा ख्याल है ग्रेड 6, 7, 8 के बच्चों के तो मैंने देखे हैं स्कूल पोस्टर्स जिसमें बच्चों से टीचर कहती है, आर्ट टीचर कहती है कि जी बुलिंग के ऊपर पोस्टर बना दो, राइट। तो इसमें तो उन्होंने उनको बच्चों को, अगर आपने देखे बच्चों को अक्सर ड्राइंग्स के लिए हम आउटलाइंस दे देते हैं कि ये आउटलाइन है इसके अंदर ड्राइंग कर दो या कलर्स कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आगे आगे चल के आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से उसको कैंपेन को इलेबोरेट कर रहे हैं फॉर चिल्ड्रन। कोड्स टू फीचर सिंबल स्लोगन्स जो कि बुलिंग स्पेसिफिक हैं, ब्लैंक ड्रीम कोड टेम्पलेट टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम अ कैंपेन। अब ये ड्रीम कोड की उन्होंने एक टेम्पलेट बना दी है, तो इसका मतलब है कि कॉम्पिटिशन से पहले, बिफोर दे एडवर्टाइज द कॉम्पिटिशन, कट इट आउट कॉम्पिटिशन, उससे पहले उन्होंने एड एजेंसी ने ड्रीम कोड की टेम्पलेट बना के दी ताकि उस टेम्पलेट को एक ही जैसी टेम्पलेट सब बच्चे यूज करेंगे टू कलर एंड डिजाइन द ड्रीम कोड। तो उसमें वो फिर आपके पास एक जैसी ड्राइंग्स नजर आ रही होंगी, तो यू कैन सिलेक्ट विच 7 ड्रीम कोड्स लुक बेस्ट। और वो कह रहे हैं कि टेम्पलेट जो है इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कैंपेन माइक्रोसाइट, और जिसमें और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने ड्रीम कोड टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, उसके अंदर उसमें जो आपको आउटलाइन मिलेगी उसके अंदर आपने ड्रीम कोड को डिजाइन करना है, और डिजाइन करने के बाद आपने 50 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि व्हाट योर ड्रीम कोड इज अबाउट, जो भी ड्रीम कोड बच्चे ने डिजाइन किया व्हाट इट इज अबाउट। तो आप ये देखें ना कि बात सिर्फ ड्राइंग या डिजाइन की नहीं है, दे आर ऑल्सो आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्क्राइब द डिजाइन देयर डिजाइन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो विनिंग सबमिशन होगी उसको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया लंडन कॉलेज ऑफ फैशन को। क्यों हैंड ओवर कर रहे हैं लंडन कॉलेज ऑफ फैशन को? अस्मा हाँ, मैंने आपसे कहा था कि ये सबसे पहले बच्चों से ड्रॉ एंड डिजाइन करवाएंगे और उनसे उसकी डिस्क्रिप्शंस लिखवाएंगे। अब पिछली भी जो हमने कैंपेन्स देखी थी उसमें कंपनीज जो थी वो कोलैबोरेट कर रही थी, ठीक है। अब वोडाफोन जो है वो ड्रीम कोड को अगर एंटी बुलिंग वीक पे स्टेज पे अगर जोसेफ पहन के आएगा, जो कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया, अगर वो 7 कोड्स पहन के आएगा तो उन 7 कोड्स को आपको बना के देना पड़ेगा ना पहनने के लिए। तो वो जो है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्रिएटिव मैकेनिज्म जो भी उसने बनाया उसमें सबसे पहले ये कि बच्चे उस कोट को ड्रॉ करें और डिजाइन करें। जब वो डिजाइन आ गए उनके पास तो फिर उन्होंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन के साथ कोलैबोरेट किया कि इनको हम आप रियल रियल फॉर्म दे दें एक्चुअली। अच्छा, तो स्टेप वन कि आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग के लिए आपको टेम्पलेट मिल गई, उस टेम्पलेट में आपने कलर करके डिजाइन कर दिया। मैं आपको असल में आपको एक चीज आगे की दिखा देती हूँ, सो एंड देन वील कम बैक टू दिस स्लाइड। तो आई थिंक इट वुड बी इजियर। ये देख रहे हैं आप ये वाला, कैन यू सी दिस? हेलो, हाँ। तो आप ये देखें ना कि ये एक टेम्पलेट, अगर आपको वाइट आउटलाइन में ये मिल गई टेम्पलेट, राइट, आपको सिर्फ वाइट के ऊपर, सिर्फ वाइट पेज पे पेपर पे अगर आपको सिर्फ आउटलाइन मिल जाती है तो आप उस आउटलाइन को, इसको यू कैन डिजाइन, आप इसमें ब्लू की जगह येलो लगा सकते हैं, ये येलो की जगह आप ब्लैक लगा सकते हैं, सो यू कैन डिजाइन योर ओन कोट, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ये बच्चे जो हैं वो इसको ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे और अपने डिजाइन भेजेंगे, और बच्चा डिजाइन के साथ साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेगा कि व्हाट माय डिजाइन इज अबाउट, ठीक है। उसके बाद जब ये डिजाइन, 7 डिजाइन उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, और जब 7 डिजाइन शॉर्टलिस्ट किए तो लंडन कॉलेज जो उसने लिखा हुआ है लंडन कॉलेज ऑफ फैशन को, वो 7 डिजाइन भेज दिए कि ये हमें
कोर्स एक्चुअली मैन्युफैक्चर कर दो, राइट। तो वो जो स्टूडेंट्स के डिजाइन थे वो मैन्युफैक्चरिंग में गए और मैन्युफैक्चरिंग को वो लेके जाएंगे स्टेज पे, जो कोट्स बनेंगे वो एंटी बुलिंग वीक में जोसेफ जो है वो स्टेज पे पहन के आएगा, राइट। ओके, अभी अभी भी कंफ्यूजिंग है कि ठीक है? ऑल राइट, तो मैं आपसे यही कह रही थी कि जो कैंपेन प्लान कर रहे हैं ना, कैंपेन में बच्चों को, मदर्स को, टीचर्स को, क्लासरूम्स को एंगेज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ दे ऑल दे वांट के बच्चे यूज करें, यहाँ पे लिखा था उसने सिंबल स्लोगन्स एंड मटेरियल्स दैट रिफ्लेक्ट टीनेज बुलिंग। ओके, सो लंदन कॉलेज उसकी अभी तक फर्स्ट कोलैबोरेशन नजर आ रही है इस कैंपेन को आगे ले जाने के लिए, कि वोडाफोन प्लस लंदन कॉलेज आ गया, क्योंकि लंदन कॉलेज ऑफ फैशन जो है वो इस ड्रेस को रियल फॉर्म दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कैंपेन को लॉन्च कब किया? कैंपेन लॉन्च किया उन्होंने जी हाँ सितंबर में लॉन्च की, और उसने बुलिंग वीक का प्लान किया था नवंबर में। उसने पीछे कहीं लिखा हुआ था कि जी बुलिंग वीक जो है हम नवंबर में जाके सेलिब्रेट करेंगे। तो अब आप देखें कि इनके पास टोटल टाइम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का है, राइट। सो सितंबर में क्यों लॉन्च कर रहे हैं? बिकॉज बैक टू स्कूल, स्कूल्स खुल जाते हैं, तो वो स्कूल के ओपनिंग के साथ ही कैंपेन ओपनिंग को उन्होंने स्कूल ओपनिंग डेट के साथ कोइंसाइड कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि ली जो है ही टॉक्ड ओपनली फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग बुलीड इन अ सीरीज ऑफ रेडियो एंड मीडिया इंटरव्यूज, और उसको वो कैरेक्टर्स का जो है उसने कहा कि जो भी बुलीड कैरेक्टर था उसका रियल नेम बीच में वो मेंशन कर रहा है आपको कि ये इसको इन्होंने इनवाइट किया। देखिए टीवी कैरेक्टर को वो इनवाइट कर रहे हैं कैंपेन में लेके आ रहे हैं ना, तो उससे कह रहे हैं कि तुम रेडियो एंड मीडिया इंटरव्यूज दो अबाउट बुलिंग। सो नेचुरली अगर वो कैरेक्टर, टीवी कैरेक्टर जो बड़ा पॉपुलर है, उसके आपने इंटरव्यूज प्लान कर दिए, मीडिया इंटरव्यूज ड्यूरिंग योर कैंपेन टाइम इन्हीं दो महीनों के अंदर, राइट। और उसके अलावा एक तो उन्होंने इंटरव्यूज प्लान किए फॉर रेडियो एंड मीडिया, और उसके बाद 3000 स्कूल्स को न्यूज़लेटर भेजा है अबाउट दिस कट इट आउट कॉम्पिटिशन, ठीक है। हेलो, ऑल राइट, तो न्यूज़लेटर टू 3000 स्कूल्स, तो इसका मतलब है कि यूके में मोर और लेस जितने भी स्कूल्स थे उनको उसने इस कैंपेन में एंगेज कर लिया, राइट। और शो टिकट कॉम्पिटिशंस प्लेस्ड अक्रॉस नेशनल फैमिली हेल्थ सेलिब्रिटी एंड ऑनलाइन टिकट जो है उसको भी उन्होंने जो लोग एंटी बुलिंग वीक के जो स्टेज पे परफॉर्मेंस है तो उसको टिकट, शो टिकट्स की उन्होंने कर दी, ठीक है। तो आप शो टिकट आप विन कर लें, शो टिकट कंपटीशन कर दिया, क्योंकि जहां भी ये करेंगे उसकी भी एक लिमिटेशन होगी हॉल की, अगर आपको अल्हम्ब्रा में सेलिब्रेट करना हो एंटी बुलिंग वीक परफॉर्मेंस, तो अल्हम्ब्रा हॉल 1 की कैपेसिटी 750 है, तो आप ये देख रहे हैं कि शो टिकट कंपटीशन जो है उसको उन्होंने, उसको भी बाय कंपटीशन कर दिया जिसको टिकट चाहिए। और सोशल मीडिया आउटरीच जो है वो उन्होंने ली की जो फैन साइट है उसको ले लिया साथ में, ठीक है। तो हम उसमें भी देख रहे थे ना कि आप एक चीज को कहाँ कहाँ पे जाके अनाउंस करेंगे, तो इस वक्त भी उन्होंने यही किया कि किधर किधर जाके इसको कंपटीशन को अनाउंस करना है, कट इट आउट कंपटीशन और शो टिकट कंपटीशन, सोशल मीडिया और कलेबरेशन। इसका मतलब है कि जो लंदन फैशन स्कूल है वहाँ पे भी आ रहा होगा, और ये जो फैन की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी ये कॉम्पिटिशन कैंपेन हर जगह पे साइमल्टेनियसली लॉन्च हो गई है, राइट। ओके, अब वो कैंपेन लॉन्च को वो कह रहा है कि जी थ्री पाइप जो है वो नाउ इट इज वर्किंग विद बीट बुलिंग टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव केस स्टडीज टू मिरर एंड ITN। ये तो आपको पता है ना कि मिरर जो है वो बड़ा, आप देखें अभी पहले सिर्फ लंदन फैशन स्कूल को कोलैबोरेशन दिखाई थी, अब वो ये कह रहा है कि हम मिरर और ITN के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। डज एनीवन नो कि मिरर क्या है?
डू यू नो कि मिरर क्या है? इनमें से एक एक न्यूज़पेपर है और एक टीवी चैनल है, राइट? तो चूंकि ये कैंपेन जो है अब स्प्रेड हो रही है ना, तो वोडाफोन जो है वो फर्दर कोलैबोरेशंस लेके आ रहा है, मिरर के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, आईटीएन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, और जिसमें नहीं नहीं मिरर आई थिंक इज अ न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में से जो उनको लार्जेस्ट और सबसे बड़े नजर आ रहे हैं, उनके साथ वोडाफोन खुद बहुत बड़ा है, तो बड़ी कंपनी है, वो आगे बड़ों के साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो कोलैबोरेशन में उसने अब 3-4 कोलैबोरेशन तो अब तक आ गई ना उसकी, फैशन स्कूल भी आ गया और न्यूज प्रिंट मीडिया आ गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, क्योंकि 6-7 महीने में जब कैंपेन चलेगी तो कैंपेन को प्रमोशन चाहिए कि दे आर कनेक्टिंग विद स्कूल, 3000 स्कूल की न्यूज जो है वो फीड करेंगे ना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सॉफ्ट न्यूज फीड करेंगे, तो सॉफ्ट न्यूज जैसे ही फीड होगी तो उस पर बगैर एडवर्टाइजिंग के उनको रिटर्न आएगा। अगर न्यूज़पेपर और प्रोग्राम्स देखें, पीछे वो कह रहा था कि रेडियो एंड टीवी इंटरव्यूज उसने प्लान किए उसके, ठीक है? अब वो उसको जो उनकी उनका बैकअप प्लान कर रहा है विद प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कुछ ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कीप टॉकिंग अबाउट देम, तो जैसे ही वो उसके बारे में बात करेंगे तो जो भी टीनेजर बुली हुआ या पेरेंट्स हु लॉस्ट चिल्ड्रन टू सुइसाइड, क्योंकि उसने कहा था 1 साल में 16 बच्चे सुइसाइड करते हैं, तो वो सारे ऑटोमेटिकली इस कैंपेन से बहुत सारे लोग जो हैं वो सेंसिटाइज और कमिट कर लेंगे ना, दे बिकम इंटरेस्टेड इन द कैंपेन। और ये इन्होंने एक स्पेशल वेबसाइट क्रिएट की cutoutbullying.com, ठीक है? सो इस वक्त तो आई एम नॉट श्योर कि अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो वी रीच दैट, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जो है खत्म हो चुकी, राइट? सो बेसिकली कैंपेन टाइम इज ओवर। सो बेसिकली आप इसको ये देखें कि उसने ये कहा है कि जो भी इन्होंने cutoutbullying.com के नाम से वेबसाइट बनाई, वहां पे टीचिंग मटेरियल्स भी पोस्ट कर दिए ताकि टीचर्स को अगर कोई चीज चाहिए तो वहां से डाउनलोड या प्रिंट कर ले, बुलिंग एडवाइस पोस्ट कर दी, केस स्टडीज पोस्ट कर दी किस बच्चे के साथ क्या हुआ, टिकट कंपटीशन, क्योंकि वो एंटी बुलिंग वीक के दौरान जिस थिएटर में भी या हॉल में कंपटीशन कर रहे थे, पीपल वर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू दैट हॉल टू सी द कंपटीशन, के जो विनिंग कॉस्ट्यूम्स थे तो वो भी उन्होंने कंपटीशन के थ्रू दे दिए, ठीक है? न्यूज अपडेट्स जिस पे वो कह रहा है कि जी हम बुलिंग के बारे में जितनी भी अपडेट्स हैं वहाँ पे जा रही हैं, जस्ट गिविंग डोनेशन पेज, तो वेबसाइट के उन्होंने कहा कि जी हमारी वेबसाइट पे cutoutbullying.com की वेबसाइट पे ये छः आप देख रहे हैं, ये 6 बटन्स तो आप क्रिएट करेंगे। तो अभी तक हमने कितनी चीजें देखी कैंपेन में, क्या क्या आ रहा है? कैंपेन में आ रहा है इस कोट का डिजाइन कॉम्पिटिशन जो कि स्कूल में बच्चे ड्रॉ करेंगे, कैंपेन में आ रहा है इसकी रियल मैन्युफैक्चरिंग, राइट? कोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग और उसका फिर स्टेज परफॉर्मेंस। स्टेज परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने टिकट्स जो बेचे हैं वो टिकट्स कंपटीशन के थ्रू उन्होंने लोगों को दे दिए, राइट? और 3000 स्कूल्स में से आपके ख्याल में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? अगर स्कूल 3000 हैं तो बच्चे कितने पार्टिसिपेट करेंगे? अगर हर स्कूल से कम अज कम 100 भी बच्चे गिनने की कोशिश करें तो इसमें उसमें 2 जीरोस तो कम अज कम और आ जाएंगे ना, तो यू कैन इमेजिन कि कितने ज्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी इतने लोग ये एक्टिविटी करेंगे और आएंगे, ठीक है? ऑल राइट, सो अब इसमें आ गया प्रिंट मीडिया में सॉफ्ट न्यूज फीड कर रहे हैं, चैनल्स के ऊपर और रेडियो के ऊपर इंटरव्यूज और दूसरी चीजें फीड कर रहे हैं, और पेरेंट्स और बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जो आपसे मैंने कहा था कि वेबसाइट इन्होंने क्रिएट कर दिया, वेबसाइट पे ये 6 आइटम्स हैं। अब केस स्टडीज तो वहां पे आप 15 डालें, 20 डालें, 10 डालें, 5 डालें, इट्स अप टू यू कि आप कितनी डालेंगे, राइट? तो आपने पेज पे अगर 8 तस्वीरें भी डाल दें तो एंगेजिंग केस स्टडीज बन जाएंगी ऑफ बुलिंग। ऑलराइट, ये कट इट आउट का आप ये देखें, ये आपको ये वाला जो स्लाइड नजर आ रहा है इसमें यू कैन सी के जो कट इट आउट है ड्रेस ड्रीम कोट कॉम्पिटिशन, इसमें ये नीचे आपको जोसेफ ली एक्सेट्रा ये अपने 7 फाइनल कोट्स के साथ नजर आ रहा है राइट साइड पे,
और ये ऊपर आपको नजर आ रही है इसकी स्टेज परफॉर्मेंस, ठीक है। वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट बुलिंग, तो उसमें कट इट आउट, ये आप इनवाइट कर रहे हैं फॉर कंपटीशन, ठीक है। और फिर आप ये देखें, ये इन्होंने कहा कि जी हमारी ये वेबसाइट देखें, यहाँ पे उसने आपको 7 आइटम्स बताए थे यहाँ पे कि वेबसाइट पे हम क्या करेंगे। और अभी तक जो क्रिएटिव स्ट्रेटेजी बताई है, सबसे पहले ये उसका कंपटीशन था, 7 ड्रीम कोर्स सिलेक्शन होगी, ये आप जहाँ पे भी इन्होंने उसको स्टेज पे वो ड्रीम कोर्स शो की और cutoutbullying.com की वेबसाइट बना दी, ठीक है। और जब इन्होंने 3000 को स्कूल्स को इनवाइट किया तो वो ये कह रहे हैं 2000 एंट्रीज टू द कंपटीशन जो है वो उनको सिर्फ फर्स्ट 3 वीक्स में आई, और 50 लेटर्स आए फ्रॉम स्कूल टीचर्स, राइट। 7 रीजनल विनर्स शॉर्टलिस्टेड बाय अ जजिंग पैनल कंसिस्ट ऑफ, अब आप देखें कि उन्होंने कहा कि जी हमने 7 कोर्ट्स को शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, तो ये उन्होंने जजेस के नाम के जी ये जजेस का पैनल बना दिया, ली नीड, बीट बुलिंग, वोडाफोन और यूजफुल ग्रुप और लंदन कॉलेज ऑफ फैशन। तो इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि जिन जिन लोगों के साथ वो कलेबरेट कर रहे हैं, उसमें कैरेक्टर जो था जोसेफ, उसकी जगह उन्होंने लीमीड को डाला और बीट बुलिंग वालों को डाला, वोडाफोन की कैंपेन है तो वोडाफोन और बाकी सारे लोग के कौन जो है वो विनर्स डिसाइड करेंगे, ये जजेस का नाम उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है। टीचर्स क्यों लिख रहे हैं खत, हाँ वो कह रहे थे जी हमारी इस, हमने जब ये कैंपेन अनाउंस की तो हमें 50 टीचर्स के लेटर्स आ गए, तो व्हाई आर टीचर्स राइटिंग टू देम, हाँ ऑफ कोर्स टू रिलेट, बिकॉज वो ये कह रहा है कि पीपल हैव बीन थ्रू दिस, तो वो जाहिर है कि फिर पीपल फील कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट कैंपेन एंड टीचर्स आर राइटिंग लेटर्स, और 2000 एंट्रीज अगर हैं फ्रॉम 3000 स्कूल्स, नॉट बैड, क्योंकि इनमें से जो फर्स्ट 3 वीक्स में रिस्पांस आई है 2000 की, तो उसमें से इवेंचुअली देल बी शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। अब ये उनका ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग विद द कैंपेन, और ये आपके कोर्ट्स आ गए, विनिंग कोर्ट्स, और एक तो उसने पहना हुआ था वहां पे, सो यू कैन सी कि ये जो लेफ्ट साइड पे ऊपर कोर्ट है उसने कहा था फ्रेजेस, बुलिंग वर्ड्स एक्सेट्रा, ये मिडल में जो कोर्ट है इस पे लिखा हुआ इन साइलेंस कि लोग बुलिंग को टॉलरेट करते हैं, दे डोंट से, और ये देखें तो हर तरह के ये ड्रीम कोर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, दे सिलेक्टेड 7 जिनको उन्होंने लंदन फैशन स्कूल वालों ने उनको एक्चुअली बना के दिया फॉर द स्टेज, और ये आप देखें वो आपका लीनेड जोसेफ, ठीक है। तो आप इसके स्टॉप बुलिंग यहाँ से आप देखें कि इसके कोट पे ये यहाँ से स्लीव तक लिखा हुआ है स्टॉप बुलिंग, आई थिंक इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, और स्लीव्स पे भी यही, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है बुलिंग, स्टॉप बुलिंग जी, हाँ काफी कलरफुल है, तो स्कूल के बच्चे तो बच्चों से तो हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए ही सेइंग कि 10 to 16 की लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, आई डोंट नो कि विनर्स के उन्होंने नाम नहीं दिए वे इस प्रेजेंटेशन में कि विनर्स में लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं, बट आई थिंक दीज आर वेरी कलरफुल कोट्स, तो बच्चों ने ड्रॉ किए, इन्होंने मैन्युफैक्चर किए और फिर स्टेज परफॉर्मेंस प्लान हो गई, तो इसका मतलब है कि जो टीम एग्जीक्यूट करने जा रही है कैंपेन वो बड़ी होती जा रही है। ऑलराइट, मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने मिरर के साथ कलेबरेट किया, राइट, अखबार जो था, और लेकिन ये कोई और अखबार है, जहां से भी आप देखें बहुत सारे अखबारों ने ऑटोमेटिकली एक अखबार के साथ इन्होंने कलेबरेट किया, बाकी अखबारों ने खुद ही उठा ली वायरल एक्टिविटी। तो ये ड्रीम कोर्ट इज वेस्ट एंड विनर टू वेस्ट एंड विनर फॉर सेंट लुई
ये आप देखें ना उन 6-7 कोट्स में ये कोट मौजूद था जो इसने पहना हुआ है यहाँ पे, ये लेफ्ट पे था ये। सो ये और जिस स्कूल के बच्चों ने ये बनाया था शायद उन्हीं बच्चों के साथ इसने ली नीट की तस्वीर, ये यहाँ पे चली गई इस न्यूज़ पेपर में। फिर ये दूसरे बच्चे को आप राइट साइड पे देख रहे हैं, इसने भी ये कोट डिज़ाइन किया था। सो ये कौन सा कोट है, 2000 एंट्रीज फर्स्ट 3 वीक्स में थी। जी जी कोर्ट कोर्ट के डिजाइन जो सबमिट हुए थे ना, तो उसमें अभी जी 2000 में से 7 सिलेक्ट हुए और उन 7 को लंदन स्कूल ऑफ फैशन ने उन 7 को मैन्युफैक्चर करके दिया। उसके बाद एंटी बुलिंग वीक में वो उनको उसको उसने आगे यूज किया। आप ये देखें ना ये इस सूट इस कोट को राइट साइड पे नीचे लेफ्ट पे नीचे जो है इस बच्चे ने डिजाइन किया, राइट साइड पे जो ऊपर है उसको इस बच्चे ने डिजाइन किया, और फिर ये वेस्ट एंड वालों ने ये डिजाइन किया, फिर ड्रीम प्राइज। सो बेसिकली उसने कुछ यहाँ पे तस्वीरें दे दी हैं कि जो विनिंग कोट्स थे उनके बारे में, उनकी भी तो न्यूज़ कवरेज हो रही है ना। तो अब ये न्यूज़पेपर को आपको क्या लग रहा है, न्यूज़पेपर आर दे पेइंग टू न्यूज़पेपर? दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू न्यूज़पेपर्स, क्योंकि ये तो खबरें हैं ना सारी, तो ये सारी जो है तो ये इनको बगैर इन्वेस्टमेंट के अब इनका वो स्केल इंक्रीज हो रहा है ना जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। हाँ तो अर्न मीडिया, हाँ बिल्कुल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, पेरेंट्स एंड टीचर्स आ गए थे, उन्होंने जोश में आके लेटर्स भी लिखना शुरू कर दिए अप्रिशिएटिंग द कैंपेन। उन्होंने शुरू में ITN और मिरर के साथ कोलैबोरेट किया, उनको नहीं उसको पे करने का मकसद नहीं था, उनको ऑन बोर्ड लेने का मकसद था। सो उन्होंने कहा कि वी कोलैबोरेटेड, ठीक है, और ऑन बोर्ड अगर होंगे तो नेचुरली वो अभी सबसे पहले जिस जगह पे न्यूज़ जाएगी वो फिर मिरर एंड ITN को सबसे पहले न्यूज़ चली गई ना। अगर आपने देखा है कि न्यूज़पेपर्स जो है ना वो न्यूज़पेपर्स रूटीन में एक दूसरे की खबरों को मॉनिटर करते हैं, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर एक विंग होता है और वो जो कि न्यूज़पेपर्स में से कटिंग करता रहता है कि जी हमारी कौन कौन सी न्यूज़ आई और कौन सी स्पेसिफिक न्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो हाँ वो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को भी देख रहे होते हैं कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या नहीं किया। सो अगर मिरर में कोई खबर आई कि ये कैंपेन वोडाफोन करने जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद फैशन स्कूल एंड अदर, तो बाकी लोग तो ऑटोमेटिकली वो पिक करेंगे जी हमें क्यों नहीं पता, तो फिर वो उसकी न्यूज़ मांगेंगे, तो वो एक चीज़ है जो उसका स्केल एनहांस होना शुरू हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। पार्टनर्ड एक्सक्लूसिवली विद ब्लिस ऑनलाइन फॉर अ वोट टू फाइंड द ओवरऑल विनर। अब ये ब्लिस ऑनलाइन जो है आपके ख्याल में इस मैगजीन का टाइटल देख के क्या लग रहा है कि इसको कौन सबसे ज़्यादा बाय करता होगा? विमेन तो जरूर करेंगी, मदर्स विमेन एक्सेट्रा, और वो ये कह रहा है कि हमने मदर्स एक्सेट्रा यंग गर्ल्स, क्योंकि उनके टारगेट ऑडियंस में यंग गर्ल्स भी शामिल थी, राइट। तो अब मैं उसमें अब सिंपली उसने ये किया है कि जब वो उसने एक्सक्लूसिव कर लेगा और है भी ऑनलाइन मैगजीन, तो ब्लिस को तो बेतहाशा हिट्स मिलेंगी, राइट। तो वो जो 2000 एंट्रीज हैं कम से कम वो लोग तो ब्लिस को करेंगे हिट, और बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन वोटिंग कर रहे हैं टू फाइंड द ओवरऑल विनर, 7 कोर्ट्स में से भी बेस्ट कोर्ट कौन सा है, 2000 एंट्रीज में से विच वन इज द बेस्ट एंट्री एंड बेस्ट ऑफ 7 कौन है, तो वो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल वो जो है उसके लिए उन्होंने इसको ब्लिस ऑनलाइन के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब इनके पार्टनर्स इंक्रीज हो गए। और ब्लिस को इन्होंने जो ली मीड जो इनके जजेस में भी शामिल है और कैरेक्टर भी है BBC शो का, उसको ये कह रहे हैं कि उसने ये कहा कि ये ब्लिस को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा। सो जितने लोग इस कैंपेन में इंटरेस्टेड हैं वो उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को मैगजीन में पढ़ने के लिए, देखें पहले वो रेडियो और TV इंटरव्यूज कर रहे थे और अब राइट नाउ वो ये कह रहे हैं कि प्रिंट में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किसको देना है, तो उन्होंने कहा कि जी ब्लिस को देंगे, राइट।
मिरर के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने नहीं किया, ये विनर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने ब्लिस के साथ कर दिया, शो टिकट्स एंड द वैल्यूएबल कॉल टू एक्शन मैकेनिक। तो वो ये कह रहे हैं कि शो के टिकट्स भी ब्लिस के थ्रू मिलेंगे और ली का इंटरव्यू भी ब्लिस पे जाएगा और कॉल टू एक्शन जो है वो भी ब्लिस के थ्रू। तो अब ये जो एक्सक्लूसिव ब्लिस के थ्रू हो रही है, तो ब्लिस के ऊपर, ब्लिस के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या है ऑनलाइन वोटिंग के लिए, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे शो टिकट्स भी आप इधर जाएंगे। तो इसका मतलब है ब्लिस को तो ऑटोमेटिकली हिट्स मिल रहे हैं, कैंपेन को भी मिल रहे हैं और ब्लिस इज ऑल्सो गेनिंग। ठीक है, ऑल राइट। सो अब आप ये देखें, 40,000 टीनएजर्स रजिस्टर्ड एंड वोटेड, एंट्रीज कितनी आई थी 2000, वोटिंग आ रही है फ्रॉम 40,000 फॉर फेवरेट कोर्ट डिजाइन्स इन 10 डेज। 10 दिन का उनका टाइम था कि जो बेस्ट कोर्ट्स वोट हो गए, आप देखें जो उसने कहा कि ओवरऑल विनर 10 डेज के अंदर वोटिंग, ये सारा कुछ जनरल वोट से विद इन 10 डेज डिसाइड हो गया। तो आपकी 3 वीक्स अगर कहें, लेट सपोज के स्कूल्स में एंट्री टाइम था 3 वीक्स, तो उसके बाद ये वोटिंग टाइम यहाँ पे 10 डेज है, तो 3 वीक्स इंक्रीज होके 1 मंथ से ऊपर चला गया ना। ठीक है, और फिर वो फैशन डिजाइन का फैशन स्कूल वालों ने फौरी तौर पे इनको मैन्युफैक्चरर करके भी दिया, तो 5th वीक में तो ये यहीं आ गए थे। फिर फैशन डिजाइन ने उसको रियल फॉर्म दी, तो बाय देन, बाय द टाइम यू आर रिसीविंग इट फ्रॉम देम, आप ऑलरेडी 6th-7th हफ्ते में आ चुके हैं, राइट। सो हर चीज बड़ी रैपिड हो रही है। उसके बाद आ गया इनका एंटी बुलिंग वीक। अब आप ये कह रहे हैं, ली अपीयर्ड ऑन द GMTV सोफा टू अनवेल द विनिंग ड्रीम कोर्ट। ओवरऑल विनर के लिए 40,000 वोटर्स थे, ठीक है, ओवरऑल ड्रीम कोर्ट को इन्होंने कहा कि अब ये ली खुद उसको प्रेजेंट कर रहा है टू ऑडियंस। 3 double page स्प्रेड इन द मिरर, ये मिरर से कलेबरेट किया था। 3 double page बहुत ज्यादा होता है, अगर आपने अखबार का को देखा है तो आप ये देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द वीक, एंटी बुलिंग वीक में आपको 3 double page स्प्रेड मिल गया मिरर में, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी स्पेस है। और फर्दर कवरेज ऑन ITN, लंडन टू नाइट एंड 4 regional ITV stations covering footage from the theater shows। मैंने आपसे कहा था कि इसके आखिर में थिएटर शो है और शो का टिकट भी ये कॉम्पिटिशन के थ्रू बच्चों को दे रहे हैं, विन अ टिकट टू द शो। सो काफी डिटेल्ड सोची समझी कैंपेन है, राइट। सो पुशिंग कंज्यूमर्स टू वेबसाइट विच फीचर्ड अ लिंक टू ईबे ऑक्शन लिंक। उसके बाद जो 7 courts हैं उनको ईबे पे ऑक्शन भी कर दिया हाँ, और फंड रेज हो जाए फॉर द courts। तो उसकी कैंपेन स्ट्रेटेजी में फंड रेजिंग तो उसके बिल्कुल स्टार्ट में ही उसने मेंशन कर दिया था, ये कॉम्पिटिशन विनर्स, ऑल विनिंग स्कूल चिल्ड्रन इन्वाइटेड टू सी। इसमें कितनी बच्चियां नजर आ रही हैं, काफी सारी, जो बच्चों के साथ, खैर 7 होने चाहिए। Invited to see their court designs won on stage during the week. Meet and greet sessions took place with Lee Mead each night. Or photos and winners with the star of the show sold into local media to generate further coverage. So basically, आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने फिर इन तस्वीरों को भी काफी प्रमोट किया, meet greet session किया और winners की फोटोज जो हैं स्टार वगैरह उसको भी उन्होंने लोकल मीडिया को सेल की, ठीक है। थिएटर जो परफॉर्मेंस है, वोडाफोन VIP रिसेप्शन ऑन ओपनिंग नाइट इनवाइटिंग गवर्नमेंट एंड की मीडिया, चैरिटी बकेट कलेक्शन, देखें जहां पे शो है वहां पे भी चैरिटी बकेट रख दी, ठीक है, उस वीक के दौरान चैरिटी बकेट रखी हुई है, फर्दर फंड्स आ रहे हैं, कैंपेन ब्रांडिंग
थिएटर एंट्रेंस के ऊपर कैंपेन ब्रांडिंग हो रही है, एवरी सीट फॉर एवरी परफॉर्मेंस कैरीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वोडाफोन, और वोडाफोन की भी साथ में मार्केटिंग हो रही है क्योंकि वो वोडाफोन कैंपेन कर रहा है, और ली मीड जो आपका मेन कैरेक्टर था, हीरो था ऑफ द कैंपेन, वो स्टेज पे बात कर रहा है अबाउट बुलिंग, एंटी बुलिंग कैंपेन, और 7 डेज के दौरान, एंटी बुलिंग वीक के दौरान, हर परफॉर्मेंस के बाद वो ही इज टॉकिंग अबाउट इट। थिएटर में कितने लोग आए? 91,000, ठीक है, ऐसा न लेना अर्सल, ऑल राइट। सो बेसिकली मैं आपसे ये कह रही थी कि जस्ट सी के 91,000 लोग तो कंपटीशन टिकट लेके थिएटर चले गए, तो इसका मतलब है कि स्केल एनहांस ही हुआ ना उसकी, ये मुख्तलिफ कवरेज चैनल्स पे भी कवरेज आ रही है। आईटीएन के साथ कोलैबोरेशन थी, आईटीएन के साथ कोलैबोरेशन थी, और उसके अलावा भी आई होगी। अब आप ये देखें कि मैंने 400,000 पाउंड की कवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8:1 है, आपको नजर आ रहा है? $400,000 जो है वो उनको, वो जो अखबारों में कवरेज नहीं आ रही है और टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनके बारे में, जो आप न्यूज क्लिप्स और वो सारी चीजें देख रहे थे, तो वो आपको कह रहे हैं कि $400,000 की उनको वो मिली, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 8:1 हो गया। फॉर एवरी 1 रुपी स्पेंट दे रिटर्न वॉज 8 टाइम्स। अच्छा है बुरा है, ठीक है? और जितनी भी कैंपेन है वो वोडाफोन को कर रही है कनेक्ट विद एंटी बुलिंग वीक, ठीक है, वोडाफोन विद एंटी बुलिंग वीक, और आखिर में वो ये कह रहा है 150,000 यूनिक विजिट्स टू कैंपेन साइट, 40,000 ईमेल्स फ्रॉम बीट बुलिंग डेटाबेस, और ओवर 25,000 फंड रेज, $25,000 फंड रेज थ्रू आउट द कैंपेन। वो जो आप कह रहे हैं ना कि थिएटर के बाहर इन्होंने फंड कलेक्शन बकेट रखी हुई थी, तो यू कैन सी कि 25,000 तो वहीं पे कलेक्ट हो गया। सो आई थिंक अच्छा है, ग्रेट। जो आपको मुफ्त की कवरेज वो पसंद नहीं आई $400,000 की। और की लर्निंग्स, पार्टनरशिप्स आर की टू एडिंग वैल्यू, रियली यूजफुल ग्रुप, बीट बुलिंग, लंडन स्कूल ऑफ फैशन, ये इनके मेन पार्टनर्स थे। उसके अलावा उन्होंने मिरर आईटीएन को बताया, स्कूल से कर लिया, मल्टीपल टच पॉइंट्स ड्राइव मीडिया अपॉर्चुनिटीज। तो आप जितनी ज्यादा कि आप यहाँ भी देख लें, वहां भी देख लें, वहां पे मीडिया अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है, अपीलिंग टू क्रिएटिवली एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड मीडिया इंटरेस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे ये खत्म हो गई। इसके आगे एक और कैंपेन है, अगर आपने देखनी हो तो उसको आप अलग देख लीजिएगा, लेकिन ये जो वोडाफोन एंटी बुलिंग कैंपेन थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। सारे पॉइंट्स वही थे जो हमारे रिसर्च, जो आप लोगों ने केस स्टडी लिखी, उससे हटके तो कोई चीज नहीं है, है सिर्फ प्रेजेंटेशन मेथड फर्क है। आई कैन अंडरस्टैंड के फैक्ट्स आपके पास नहीं होंगे, आपके पास फॉर इंस्टेंस यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी, ऐसे ही है कि कितनी विजिट्स थी, कितनी ईमेल्स थी, कितने क्या था, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कैंपेन अगर आपको कोई मिल गई है और उसकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है या कोई भी प्रेजेंस है, तो उसको कुछ करना तो पड़ेगा। और देखिए, हमने जो केस स्टडीज देखी उनमें से हर एक में आरओआई मौजूद भी नहीं था, ठीक है, हमारी एक उसमें था जो हम, मेरा ख्याल है पाथ टू परचेज वाली जो सबसे पहले देखी थी हमने लाइफॉल की, उसमें था आरओआई। उसके बाद आई कांट रिकॉल शेयर अ कोक में आरओआई था या नहीं था, लेकिन कुछ कैंपेन्स में था आरओआई, कुछ में नहीं था, लेकिन एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू रिपोर्ट कि जो सिलेक्टेड मीडिया था, फॉर इंस्टेंस सोशल मीडिया पे तो नजर आ रहा होता है ना रीच कितनी है और
रिस्पॉन्सेज और कमेंट्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं वगैरह वगैरह। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की लिखी हुई हमने केस स्टडीज देखी थी वो बड़ी कंसाइज केस स्टडीज थी, उनकी कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स थी। तो मैंने आपसे उस वक्त भी सजेस्ट किया था कि वो जो केस स्टडी है उसकी हेडिंग, सेम हेडिंग आप अपने पास लिखें और उस हेडिंग के नीचे जो आप जो केस स्टडी लिख रहे हैं उससे रेलेवेंट उस हेडिंग के नीचे आप लिखने की कोशिश करें। और फिर आपको मैं ये बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स असल में आप लोगों की, देखें जो मैंने आपकी केस स्टडीज पढ़ी जिनके कुछ लोगों को मैंने ऑनलाइन फीडबैक भी दिया, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि बाकियों का भी ऑनलाइन अभी टाइप कर दूँ, बट इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आपने जो भी लिखा है, जो भी आपने लिखी थी केस स्टडी, उसी को आप प्रपोजल की फॉर्म दे दें, ठीक है। ईमेल मत करें, आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है, क्योंकि इस वक्त जो आपका ये, मैं हैंगआउट पे भी जो आप लोगों से जो कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ ना, ये गूगल क्लासरूम के थ्रू हो रही है। सो और दूसरी बात ये है कि आपने शायद नोट किया हो कि नवीब फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट इस कॉल का हिस्सा है, सो यूनिवर्सिटी इज कीपिंग ट्रैक ऑफ दिस क्लास ना, सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप उन कुछ चीज़ों को आप देखें, गूगल क्लासरूम में अपलोड करें, बिकॉज अगर गूगल क्लासरूम में होगी तो मैं वहाँ पे आपको, आई ट्राई गिविंग यू सम फीडबैक, डिटेल फीडबैक। तो अगर आप प्रेजेंटेशन दें नेक्स्ट क्लास में, गिव ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, ताकि आपके स्लाइड्स मुझे साथ साथ नजर आ रहे होंगे एंड आई बी हियरिंग यू एटलीस्ट, तो मैं आपको साथ साथ फीडबैक दूंगी कि यहाँ पे ये चीज नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल कैंपेन तो बिल्कुल भी ना हो, इंटरनेशनल की लोकल कैंपेन को मैं देख लेती हूँ कि किस हद तक उसको लिया जा सकता है, ठीक है। जी ऐसा, हाँ, इफेक्टिवनेस ऑफ एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन, देखें आपने ये लिखा, इसमें ब्रांड किधर है, ये आपने साइट पे देखें, ये राइट साइट पे आपने लिख दिया शान फूड्स, वहां पे नहीं लिखना। ये जो आपका मेन टाइटल है, मैंने आपको जितनी केस स्टडीज दिखाई थी ऑफ एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन, इसमें लिखें कि आप शान की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इन कोलैबोरेशन विद ओगिल्वी, ठीक है। अब ओगिल्वी, असल में ओगिल्वी इतना बड़ा नाम है कि फिर सोचना ये पड़ता है कि एहसन ने क्या किया, क्योंकि ओगिल्वी की लिखी लिखा, ओगिल्वी ने कुछ चीजों को खुद लिख दिया होगा ना, और इसमें कहीं पे आपने ये चाइनीज फूड वाला, यही नहीं है चाइनीज फूड लड़की वो बिरयानी बनाती है, और ये कैंपेन चैनल चॉइसेस। अच्छा, असल में प्रॉब्लम ये होती है कि अब आपने यहाँ पे ये चैनल चॉइसेस वगैरह लिखी, ठीक है, वीडियो नेटवर्क एक्सेट्रा, जब आप चैनल चॉइसेस को जब आप जाएंगे यहाँ पे मेजरमेंट्स में, तो मेजरमेंट्स में जो आप देखें, यहाँ पे आपने ट्विटर फेसबुक लिखा हुआ है, मेजरमेंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये आपके चैनल चॉइसेस में थे, ट्विटर एंड फेसबुक है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है फेसबुक एंड ट्विटर, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है टीवी कैंपेन एंड यूट्यूब। मेजरमेंट में जाके देखिए, मेजरमेंट में टीवी कैंपेन और यूट्यूब नजर आ रहा है, यहाँ पे मेजरमेंट में है टीवी कैंपेन और यूट्यूब, ठीक है। जो चैनल्स आपने यहाँ पे मेंशन किए, ये सारे का सारा आपके ऐसे के जो डिफरेंट सेक्शंस है ना, वो इंटरकनेक्टेड है। अगर आप चैनल चॉइसेस में जो चैनल्स बता रहे हैं, मेजरमेंट्स में और रिजल्ट्स में आप उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे ना, तो आप अपने ही ऐसे में ट्राई गोइंग बैक एंड फोर्थ एंड ट्राई सीइंग कि ये क्या है। और फिर आपने यहाँ पे दोबारा ओगिल्वी लिखा हुआ आ रहा है, ओगिल्वी वन ऑफ द लीडिंग एडवर्टीजमेंट एजेंट्स इन द रीजन एक्सेट्रा, सो और ये लिखा हुआ आपने कोका कोला एंड रोल्स रॉयस, ये जो चीजें हैं, ये कोका कोला रोल्स रॉयस, अगर इसका आपकी इस केस स्टडी से कोई ताल्लुक नहीं है तो कोका कोला रोल्स रॉयस को तो फौरन काट देना। आपने एक ये आपको ये चीजें नहीं लिखनी कि ओगिल्वी कौन है, ओगिल्वी क्या करता है, ओगिल्वी का पैराग्राफ भी नहीं चाहिए आपको। आप यस, इफ यू आर सेइंग कि इस चाइनीज औरत का बिरयानी बनाना जो है वो मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट में सीपैक एक बैकग्राउंड में शामिल है, तो फिर आप उसको यहाँ पे ठीक है कि सीपैक की वजह से, ये सीपैक इज द कॉज बिहाइंड दिस कैंपेन, इट मेक सेंस, ठीक है। बस मेरी इसमें कंसर्न ये थी कि अगर
जो जिस किस्म की ये केस स्टडी है। ओगिलवी को पाकिस्तान में ओगिलवी पिछले कम से कम 30 सालों से है, ठीक है। 30 ईयर्स से जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगी। पहले ये इंटरफ्लो के पार्टनर थे, फिर मेरा ख्याल है इन्होंने गिरवी के नाम से भी काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरी कंसर्न सिर्फ इतनी थी कि जो इतना बड़ा, जब मैं ओगिलवी का नाम पढ़ती हूँ ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये सारा, ये काफी कुछ तो ओगिलवी ने लिख दिया होगा। आई वॉन्ट टू नो कि एहसन ने क्या लिखा। ऑल राइट उन्होंने नहीं दिया। ऑल राइट अच्छा चलें, मैंने ठीक है, अब मैंने आपकी ये बात, चलिए मैंने एक्सेप्ट कर ली अंडर द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि हम इस वक्त काफी मुश्किल सूरत हाल में इन टर्म्स ऑफ क्लास एक्सेट्रा, कि हम फेस टू क्लास तो कर ही नहीं पा रहे। अब बेसिकली अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं, तो आपको अगला काम जो करना है, सिग्निफिकेंट टेक अवेज की कोई हेडिंग नहीं थी उस ऐसे में जो मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड किए थे सैंपल के तौर पे, ठीक है। वहां ये हेडिंग नहीं थी और उसमें सिग्निफिकेंट टेक अवेज की कोई हेडिंग नहीं थी। उसके अलावा रिजल्ट्स थी, वहां पे काफी जगहों पे रिजल्ट्स थी, मेजरमेंट थी, मीडिया स्ट्रेटजी। आपकी ये चीजें आप देखिए, इनका ऑर्डर थोड़ा सा ठीक होने वाला है। मीडिया स्ट्रेटजी को आप चैनल्स के बाद थोड़ी देंगे, आप मीडिया स्ट्रेटजी पहले बताएंगे, ठीक है। मीडिया स्ट्रेटजी बताएंगे, क्रिएटिव स्ट्रेटजी आप इसमें बिल्कुल बता नहीं रहे। मीडिया स्ट्रेटजी आप, ऑल राइट, आप लाइसोल के अलावा भी कुछ टेम्पलेट्स है ना, तो लाइसोल आप उनको, बाकियों को भी देख लें। आप देखें अगर आप ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन किए, तो ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप मीडिया स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी के बाद क्रिएटिव स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी, चैनल चॉइसेस, क्रिएटिव स्ट्रेटजी, यू कैन सी कि कौन सी चीज, ये चीजें रीऑर्डर होने वाली हैं, कौन सी चीज पहले देंगे, कौन सी चीज बाद में देंगे, ठीक है। तो एक दूसरी बात यह है कि ये इस वक्त कंसाइज फॉर्म में नहीं है, ऐसे इसको कंसाइज कर लें, और मतलब कंसाइज का मतलब ये है। और फिर ये सिग्निफिकेंस वाली तो आपके लाइसेंस लाइसोल में भी नहीं रही होगी, ये सिग्निफिकेंट, ठीक है। हाँ, तो आप इन हेडिंग्स को और इनमें से कुछ चीजें जो इधर उधर जानी है उसको करें। इसको जस्ट आपके पास, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास सारा डेटा आ गया है, तो उस डेटा को फिर उसकी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करें, ठीक है। और बस मैं आपसे इस वाले में मेरी बस वही कंसर्न थी कि ओगिलवी इतना बड़ा नाम है कि आई वुड, आप देखें कि आपने आपने एक कंसाइज खूबसूरत ऐसे लिखने की कोशिश करनी है। अच्छा, यहाँ पे और कौन बैठा हुआ है जिसको फीडबैक मिला और उसको लगता है कि मैंने रिजेक्ट कर दिया है? आई ट्राई ओपनिंग इट, मैं बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ईमेल नहीं करें प्लीज, यहाँ पे डालें, तो गूगल क्लासरूम में अपलोड करें। ईमेल्स तो आई विल बी सर्चिंग देम फॉर एवर। यहाँ पे तो आप देखें ना, मैं असाइनमेंट क्लिक करती हूँ और असाइनमेंट सामने खुल जाती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक चीज क्लियर हो जाएं कि आप लोग स्ट्रीम पे जाते हैं, प्लीज स्ट्रीम के बजाय क्लास वर्क पे जाएं, ठीक है। ये आपको ऊपर स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स नजर आ रहा है। स्ट्रीम पे मत जाएं, क्लास वर्क पे जाएं। क्लास वर्क में ये असाइनमेंट लिखी हुई है, असाइनमेंट वन को आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपने उसको अपलोड करना है, तो मैं आप सबको फीडबैक दे दूंगी, ठीक है। ओके okay.